हमारी बहन हमें लाजमी चाहिए, वो हमें वापस दे दीजिए। हाउस के आगे सामने पूरे परिवार के साथ खुद को जला दूंगा। FIR कटवाया, SHO के पास चले गए, DCO के पास, पर किसी ने हमें इंसाफ नहीं दिलाया। कुछ देर पहले वही लोग दोबारा आए और उन्होंने हमें धमकी दी, अगर आप लोगों ने FIR वापस ना लिया तो आप लोगों को भी मुसलमान होना पड़ेगा। पाकिस्तान च सिख लड़की दे इस्लाम कबूलन अते व्याह करवाउण दा मामला बहुत ज़्यादा गरमाउंदा जा रहा है। बीते दिन एक वीडियो जारी की गई सी जिस विच लड़की वालों अपनी मर्जी नाल व्याह करवाउण अते इस्लाम कबूलन दी गल ते हामी भरी गई सी, पर हुण एक वीडियो होर सामने आया वो भी लड़की दे भरावां दा जिस विच उन्होंने अपनी भैण नूं घर सही सलामत पहुँचाउण दी गुहार पाक प्रधानमंत्री इमरान खान अगे लगाई है। उन्हों का कहना है कि उन्हों की लड़की को जबरदस्ती घरों अगवा किया गया और उसको डरा के इस्लाम कबूल करवाया गया। उन्हों का कहना है कि जेकर उन्हों की लड़की वापस नहीं आती तो वह गवर्नर ऑफिस के सामने अपने आप को अग लगा लेंगे। मेरा नाम सुरिंदर सिंह है, मेरे वाल साहब का नाम भगवान सिंह है, जो गुरु घर के हर ग्रंथी है। मैं ननकाना साहब का रिहायशी हूँ। कल रात को हमारे परिवार के साथ एक बहुत दर्दनाक वाकया हुआ है। कुछ गुंडे रात को हमारे घर पे आए, उन्होंने हमारी छोटी बहन को घसीट के ले गए और उनको ज़बरदस्ती टॉर्चर करके इस्लाम कबूल करवाया। सुबह में हम थाने चले गए और हमने FIR कटवाया, SHO के पास चले गए, DCO के पास, पर किसी ने हमें इंसाफ नहीं दिलाया, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद जब हम वापस घर आए तो कुछ देर पहले वही लोग दोबारा आए और उन्होंने हमें धमकी दी, अगर आप लोगों ने FIR वापस ना लिया तो आप लोगों को भी मुसलमान होना पड़ेगा, अगर आप लोगों ने यहाँ रहना है तो। मेरी PM इमरान खान और चीफ जस्टिस से अपील है, गुजारिश है कि वो हमें इंसाफ करें, हमारे साथ इंसाफ करें, हमें तहफ़ में रखें। जो हमें धमकियाँ दी जा रही है, हमें आगे भी तहफ़ में रखा जाए। अगर ऐसा ना किया गया और मैं 31 तारीख को गवर्नर हाउस के आगे सामने पूरे परिवार के साथ खुद को जला दूंगा। और मेरी एक बात और कि हमारी बहन को हमें खुद लाजमी चाहिए, हमारी बहन हमें लाजमी चाहिए, वो हमें वापस दे दी जाए। वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु की फतेह। मेरा नाम मनमोहन सिंह है, ये मेरा पापा है और ये मेरा भाई है। जो कल लड़की अगवा की गई थी वो मेरी सिस्टर है जगजीत कौर, उसको कल जबरदस्ती अगवा की थी, उसको धमकियां दी थी, अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो आपके पापा और आपके भाई को दोनों को गोली मार दूंगा। कल उसको जबरदस्ती इस्लाम भी कबूल कर दिया। ते मेरा इमरान खान से, चीफ आर्मी कमर जावेद बाजवा से अपील है कि हमारी मदद करे, उसी वापस लेके आए, ठीक है। कल ऐसा ना हो कि कल कॉरिडोर पे या कश्मीर पे इस तरह कोई बात आ जाए। एक पासे लड़की दे वीडियो विच इस्लाम कबूलना अते व्याह करवाउणा, दूजे पासे लड़की दे परिवारक मैंबरां वल्लों गुंडियां वल्लों जबरदस्ती करन दा इल्जाम लगाउणा, इह एक वड्डी जांच दा विशा बन गया जिस दी कि बरीकी नाल पड़ताल होनी चाहीदी है। फिलहाल लड़की दे परिवारक मैंबरां वल्लों आत्मदाह दी चेतावनी दित्ती गई है। हुण देखणा होवेगा कि पाक सरकार इस मामले ते की कदम चुकदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोक्समैन TV।